दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एथेनॉल बनाने वाली ये 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि आने वाले टाइम में एथेनॉल को पेट्रोल के अल्टरनेटिव के जैसे यूज किया जाएगा। तो एथेनॉल को पेट्रोल के अल्टरनेटिव के जैसे यूज करने का मेन मकसद ये है कि एथेनॉल एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको जितना चाहे हम उतना बना सकते हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल, गैस एंड कोल ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी ये सब एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जबकि एथेनॉल को बनाने के लिए शुगर केन यानी गन्ना, कॉर्न यानी मकई एंड व्हीट यानी गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंडिया में एथेनॉल को शुगर केन से ही बनाया जाता है। एथेनॉल को बनाने के लिए शुगर केन को प्रोसेस करने के बाद उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है और शुगर बनाने वाली कंपनी से एथेनॉल को बनाते हैं। एथेनॉल का और एक फ़ायदा ये है कि यह रिन्यूएबल एनर्जी होने के साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, जिस वजह से ये पेट्रोल का बेस्ट अल्टरनेटिव है। इंडिया में अभी 465 करोड़ लीटर का एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट 1500 करोड़ लीटर का है। दोस्तों, एथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, यानी ये एक तरह का अल्कोहल है जिसका इस्तेमाल अल्कोहलिक ड्रिंक जैसे कि बियर, वाइन एंड ब्रांडी में किया जाता है। इसके अलावा एथेनॉल का यूज़ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हैंड सैनिटाइजर एंड पेंट्स में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एथेनॉल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली शुगर बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि वही कंपनी से एथेनॉल बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एथेनॉल बनाने वाली 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, YouTube के एल्गोरिदम लाइक्स के आधार पर वीडियो को अंडररेटेड या फिर आगे रिकमेंड करती हैं, इसलिए आप सब इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम 50 लाइक्स एम रखते हैं एंड मुझे पता है आप सब इसे आसानी से पूरा कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 1896 करोड़ रुपीज है। इसके करंट प्राइस 101 रुपीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 24.8% है, जिसे कि बहुत ही अच्छा कंसीडर किया जाता है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.1% है एंड डेप टू इक्विटी रेशियो 0.78 है। इस साल कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हुई है। इस साल कंपनी ने 160 करोड़ रुपीज कमाया है। इस लिस्ट में सेकेंड नंबर पर है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 7310 करोड़ रुपीज है। करंट प्राइस 358 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.1% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 17.3% है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.4% है एंड डेप टू इक्विटी 0.44 है। इस साल कंपनी को 460 करोड़ रुपीज़ तक का प्रॉफिट हुआ है। थर्ड नंबर पर है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 6586 करोड़ रुपीज़ है। इसके करंट प्राइस 359 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.9% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5% है, जिसे कि बहुत ही अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 21.1 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है, जबकि नेट प्रॉफिट 150 करोड़ रुपीज़ एंड कंपनी के पास 156 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी जब चाहे अपने डेप्ट क्लियर कर सकती है, इसलिए हम इसे डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ 32.8% है। इस साल कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है। इस साल कंपनी को 150 करोड़ रुपीज़ तक का प्रॉफिट हुआ है। इस लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 2545 करोड़ रुपीज़ है। करंट प्राइस 314 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.2% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 13.1% है, जिसे कि एवरेज माना जाता है। इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.9% है एंड डेप टू इक्विटी 0.35 है। हर साल कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। इस साल कंपनी ने 300 करोड़ रुपीज़ तक का प्रॉफिट कमाया है। इस लिस्ट में लास्ट नंबर पर है ईद पेरी इंडिया लिमिटेड। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन 9285 करोड़ रुपीज़ है। करंट प्राइस 523 रुपीज़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% है, जिसे कि बहुत ही अच्छा कंसीडर किया जाता है। इस कंपनी के ऊपर 1259 करोड़ रुपीज़ का डेप्ट है, जबकि इसके नेट प्रॉफिट 907 करोड़ रुपीज़ है एंड कंपनी के पास 1845 करोड़ रुपीज़ का फ्री कैश फ्लो भी अवेलेबल है। यानी ये कंपनी जब चाहे अपनी डेप्ट क्लियर कर सकती है। इसकी प्रॉफिट भी हर साल इंक्रीज हो रही है। इस साल कंपनी ने 900 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 स्टॉक्स जो कि एथेनॉल मैन्युफैक्चर करते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।